तो गाइस सफ़र का मज़ा तभी आता है जब नज़ारे भी मस्त हो और नेचर तो नेचर ही हो, तभी जाके सफ़र का मज़ा आता है। खास करके ट्रेन का जर्नी तो क्या ही वेलकम बैक टू सिंपली क्रेजी। और आज मैं फिर सुबह सुबह उठ के हम लोग मदुरई से निकल पड़े हैं कन्याकुमारी की ओर। और अभी हम लोग ऑलरेडी ट्रेन में बैठ चुके हैं और अभी हम लोग चल रहे हैं और कुछ ही देर बाद हम लोग पहुँच जाएंगे। बट कन्याकुमारी पहुँचते पहुँचते जो नज़ारा है वो मैं अपने आप को रोक नहीं सकी आप लोगों के साथ शेयर करने में। आप लोग देख सक रहे हैं कितना अच्छा नज़ारा है, बहुत सुंदर, चारों ओर हरियाली, बहुत सुंदर नज़ारा है। और गाइस बातों ही बातों में मैं हर वीडियो में भूल जाती हूँ आप लोगों को बताने के लिए कि प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं आगे और भी जा सकूँ। तो प्यार ऐसे ही दिखाते रहिएगा मेरे चैनल में। और ऐसे ही चलते चलते हम लोग पैर करें और ट्रेन का सफ़र, मन लुभावना सफ़र और इतना अच्छा नज़ारा लेके हम लोग चल रहे कन्याकुमारी पहाड़ों के बीच में से। फिर विमानों को जीते हुए हम लोग का ट्रेन चल पड़े फुल स्पीड से। और ये देखिए नारियल का पेड़ चारों ओर, इतना सुंदर नज़ारा कि आप लोग, मैं आप लोग को सजेस्ट जरूर करूँगी एक बार आप लोग जरूर मदुरई टू कन्याकुमारी से जो ट्रेन जर्नी है जरूर कीजिए। अगर आप लोग कभी तमिलनाडु आए हैं तो मदुरई से आप लोग कन्याकुमारी तक ज़रूर ट्रेन का जर्नी कीजिएगा, ट्रेन से जाइएगा ताकि आप लोगों को भी ऐसे सुंदर नज़ारा दिखाई दे। हर तरफ कोकोनट ट्रीज एंड माउंटेन्स, बहुत सुंदर नज़ारा है। आई एम श्योर दैट यू ऑल विल लाइक द ब्यूटी ऑफ द नेचर। ऐसा लगता है कि नेचर ने खुद नागरकोल, ये एक्चुअली नागरकोल जंक्शन है, नागरकोल जो हम लोग पहुँचे अपना कन्याकुमारी टाउन में। और इसे कन्याकुमारी मार्केट में जैसे बीच के सामने में हम लोग का होटल था, हम लोग का होटल का नाम था होटल सरवाना, बहुत अच्छा होटल है। और मैं दिखा नहीं सकी होटल का जो व्यू आप लोगों को। और थोड़ा प्रेशर खाने के बाद हम लोग निकल पड़े हैं ब्रेकफास्ट, आई एम सॉरी ब्रेकफास्ट नहीं लंच करने के लिए, क्योंकि हम लोग इन सारा दिन कुछ खाया नहीं। लंच करके थोड़ा घूम घाम और मार्केट एरिया का स्ट्रॉलिंग कर रहे हैं। अभी शाम का शायद 7 बजने को है और हम लोग अभी एक रेस्टोरेंट में आए हैं। इधर ये मल्टीक्यूजिन रेस्टोरेंट है, इधर में एक्चुअली मम्मी लोग पंजाबी ढाबा में वो लोग ने वेज खाया और हम लोग को नॉन वेज खाना था। तो हम लोग घूमते घूमते यहाँ पे मल्टीक्यूजिन रेस्टोरेंट है उधर पे आ गए हम लोग। और इधर में हम लोग थोड़ा खाना वाना ऑर्डर किया, जैसे पता नहीं क्वालिटी कैसे होगा बट हम लोगों ने ऑर्डर किया है चिकन का आइटम्स, देखते हैं कैसे होता है और आप लोग को भी बताएंगे कैसे होता है, आइटम्स क्या क्या है। आप लोग भी एंजॉय कीजिए हम लोग के साथ। तो ये आ गया है हम लोग का ऑर्डर, हम लोग ने दाल ऑर्डर किया है, ये जिंजर चिकन और ये है 65 है और प्लेन राइस हम लोगों ने ऑर्डर किया है। देखने में तो अच्छा लग रहा है, अभी खा के देखेंगे कैसा है।
ये मैंने ले लिया है दाल, देख सकते हैं दाल, और ये प्राउन 65 खाने में किसी को पता नहीं, ट्राई करके देखते हैं। टेस्ट बहुत अच्छा है और कुछ भी है, स्मोकी फ्लेवर है। बहुत शोर शराबा हो रहा है, मैनेज कर लीजिएगा आप लोग भी। लास्ट डे है कन्याकुमारी में और हम लोग अभी, ये देखिए पीछे तो अंधेरा है, दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग विवेकानंद रॉक मेमोरियल का जस्ट अपोजिट में, कल हम लोग निकले नहीं थे एक्चुअली, बहुत थकान भी हो रहा था, मम्मी पापा का भी तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए हम लोग निकले नहीं। तो आज निकले, समंदर का आवाज़ आप लोग को सुनाई दे रहा होगा। हम लोग समंदर के पास में हम लोग टहल रहे हैं, बहुत अच्छा नज़ारा है, बहुत सुंदर भी लग रहा है। फिर हम लोग आगे बीच के साइड में, थोड़ा बीचों बीच, ये देखिए मेरे पीछे पूरा दिखाई दे रहा है। देखिए इतना सुंदर सनसेट दिखाई दे रहा है, सनसेट हो चुका है एक्चुअली, हम लोग थोड़ा लेट हो गया आज आने के लिए। इतना सारा आदमी है,
तो ऐसा करके हम लोगों का जो कन्याकुमारी का ट्रिप है और तमिलनाडु का ट्रिप है इसी पे एंड होता है। नेक्स्ट डे हम लोग ट्रेन पे उठ के फिर से अपना बोरिंग डिमापुर में आ गए हैं, अपना बोरिंग लाइफ फिर से शुरू हो जाएगा। लेकिन हाँ, इस होप से कि नेक्स्ट ईयर और एक नया ट्रिप में हम लोग आप लोगों को ज़रूर ज्वाइन करेंगे। और तब तक के लिए बाय बाय कन्याकुमारी, और बहुत मिस करेंगे इस ट्रिप को, बहुत ही अच्छा लगा। टिल देन गुड बाय।